अगर इसके ऊपर मैंने हेडर देना, हेडर फुटर, तो आप हेडर पूरा फुटर डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद भी आप हेडर दे सकती हैं, आप शुरू में भी दे सकती हैं, जब मर्जी दे सकती हैं। यहाँ पर ही आप अगर देना चाह रही हैं तो अगर आप हेडर पे क्लिक करेंगी, इंसर्ट में जाएं, और ये क्या आ रहा है, प्लीज मूव दिस अराउंड द विंडो अवे। अच्छा जी, आपने ये हेडर ही आ रहा है, ये वाला आपने हेडर देना है। यहाँ पर आप ये वाला सेलेक्ट कर लें तो ये ऐसे आपको शो हो जाएगा, हेडर की जगह अलग ही है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइपिंग कर लें, यहाँ ईयर लिख दें, ईयर लिख दिया और ये आपके पास आ जाएगा जब मर्जी आप करना चाहें। ठीक है, ठीक है। ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, इसको भी देखें आगे। आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट टाइप करके भी आप उसकी सेटिंग कर सकती हैं, जैसे मर्जी कर सकती हैं। ये पेज लेआउट में कॉलम्स, आपने देखा होगा कि अक्सर बुक्स होती हैं जिसमें ये टू साइड्स होती हैं, इस तरह से, इस तरीके से कॉलम्स में, पहले यहाँ से सारा आता है, फिर एक कॉलम इस तरफ बना होता है, दरमियान में स्पेस होती है, हाँ तो वो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। थ्री कॉलम्स भी कर सकती हैं, लेफ्ट पे ज्यादा और राइट पे कम, इस तरह से कर लें, जिस तरह आपको चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट टाइप करना है। तो उसके बाद है वाटरमार्क, वाटरमार्क का तो पता होगा आपको, है ना। एक पता सारा कुछ ही खोलो तो पता चल जाता अच्छा जी, तो वाटरमार्क का काम ये होता है कि आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा लिखा है, वो आप चाह रही हैं कि मतलब कोई और उसको कॉपी ना करवा सके। जिस तरह कि मैं यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ती हूँ और मुझे कोई असाइनमेंट मिली है और मैं चाह रही हूँ कि मुझसे मैं उसे कॉपी करवाऊँ और उसके प्रिंट निकलवा कर लेकर जाऊँ यूनिवर्सिटी, और कोई और स्टूडेंट उसको कॉपी ना करवा सके, टीचर को पता चल जाए कि जी इस बच्चे की है, तो मैं वाटरमार्क इसमें ऐड कर दूँ। दूसरा ये है, ये कुछ बने बनाई चीजें हैं। ओके हाँ पता चल गया, तो ओके ये वर्कशीट पे होता है ये हमारा। देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल लिखा आ गया। अब आप चाह रही हैं कि मुझे ये वाला नहीं, ये नहीं चाहिए, रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। और यहाँ पर देखें आपको शो हो रहा होगा कस्टम वाटरमार्क, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये एक है नो वाटरमार्क, एक है पिक्चर वाटरमार्क, आपने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, शो होगा सिलेक्ट पिक्चर, आपने जो पिक्चर इसके ऐड करनी है इसमें वाटरमार्क, एज अ वाटरमार्क, आपके कोई स्कूल की है या आपके यूनिवर्सिटी की है या कहीं की भी कोई कंपनी की है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। फॉर ये मेरे एग्जाम्पल पास कुछ, स्कूल का लोगो ही होगा। हाँ जी, लोगो वगैरह ही, ठीक है। यहाँ से अब मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये पिक्चर मेरे पास सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद ये ठीक है। इसमें स्केल आ रहा है कि आपको कितना साइज इसका चाहिए, 50%, 40%, या मैं इसे ऑटो कर रही हूँ, ठीक है। ऑटो करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके देखूँ, अप्लाई करेंगी तो ये विंडो यहीं पे रहेगी, आपको नीचे शो हो जाएगा, ओके कर दूँ तो ये बंद हो जाएगी और ये वाटरमार्क लग गया, ठीक है। ये इस तरह से आपको वाटरमार्क लग जाएगा, शो हो जाएगा। ये ये है वाटर, पिक्चर आपने ऐड कर दी है वाटरमार्क। अच्छा ये वाटरमार्क ही उसकी बैक पे हो गया। हाँ जी, ये ना डॉक्यूमेंट के बैक पे ना आपको जो लोगो है ना उसका, कंपनी का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा हल्का हल्का सा, तो पता चल जाएगा ना ये जो डॉक्यूमेंट है ये हाँ फ्लां यूनिवर्सिटी के हैं, ये उस ठीक है। कंपनी के हैं या उस स्कूल के हैं, ठीक हो गया। ठीक उसके बाद आपने इसे रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ से जाके आप इसको रिमूव करते हैं, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है पेज कलर, अगर आपने पेज कलर देना है, किसी भी तरह का पेज कलर आप चाह रही हैं, तो ये आप कलर कर दें, ठीक है, वही लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट, आपने जो सा भी इसमें कलर देना है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है पेज बॉर्डर, अब आती है पेज बॉर्डर की बारी, मैं इसको कलर को खत्म कर रही हूँ, वाटरमार्क भी आ गया, ठीक है। अब इसमें है कि आपने पेज का बॉर्डर लगाना है, मतलब कि ये जो आपके पास अलाइनमेंट ये सारी हुई हुई है ना, मार्जिन लाइंस, ये अब यहाँ पे लाइन कोई नहीं है, ठीक
लेकिन आप चाह रही हैं कि मुझे शो हो के इतना इतना, जिस तरह हमने लाइंस लगानी है ना, जिस तरह हम पेपर की प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप चाह रही हैं वहाँ पे बॉर्डर शो हो। तो आप इस बॉर्डर पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास है कुछ इस तरह से बॉक्स। आप फुल चाह रही हैं, मतलब ऊपर भी नीचे भी चारों साइड पे ना आपकी लाइन्स आ जाए, और कुछ आपको इस तरह का डिजाइन, मुझे तो ये वाला पसंद है ज्यादा, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब कलर, आपने कोई कलर लेना है तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लें। मोस्टली तो ब्लैक ही चलता है। मैं आपको यहाँ से ये वाला करके दिखा दे। ठीक है, इसमें अब आ जाती है इसकी विड्थ। आपको विड्थ कितनी रखनी है, आप ज्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। मैं 3 रख रही हूँ इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है होल डॉक्यूमेंट का। अगर आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे आपको ये लाइन्स चाहिए तो आप होल कर दें। अगर आपको सिर्फ इसी सेक्शन पे चाहिए जो आपने सिलेक्ट ये वाला किया हुआ फर्स्ट पेज, उस पे चाहिए। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहिए, बाकी और किसी पे भी नहीं चाहिए, तो आप ये वाला फर्स्ट पेज ओनली कर लेंगी। अगर आपको ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज चाहिए, मतलब सिर्फ आपको फर्स्ट पेज पे नहीं चाहिए, बाकी नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगी। अगर आपने कोई यहाँ पर ना थीम कवर वगैरह लगाया हुआ है तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि आपको फर्स्ट पेज पे मार्जिन लाइन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उस पर कवर है। तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट ही है, इसलिए मैं होल डॉक्यूमेंट पे कर रही हूँ। इसको ओके कर दूंगी यहाँ से। तो इस तरह से मेरे पास जो सारे डॉक्यूमेंट पे है, ये देखिए वो शो हो रहे होंगे, लाइन लग गई है। इसमें आपने कलर देना है। इसमें वही उसी तरह की डॉटेड लाइंस भी आती हैं, इसमें कुछ डिजाइनिंग भी आती हैं, वो भी आप कर सकती हैं। वो कैसे आएंगी यहाँ से, ये देखिए ये शेडोज में है कुछ, और कुछ 3D में है। ठीक है, 3D इफेक्ट देंगी। अब यहाँ पर थी, मैं आपको क्या कह रही थी, हाँ डॉटेड लाइन वगैरह, ये वाली, ये कुछ लाइंस है इस तरह से, या फिर ये वाले जो है डिजाइन पिक्चर की तरह, और कुछ 3 लाइंस है इस तरह से। इसको ओके करूँ तो ये इस तरह से आ जाएंगे। उनका कलर ब्लैक सिलेक्टेड था तो ये ब्लैक हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शेडिंग करनी है तो शेड्स वगैरह के लिए मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट अच्छा कर लूँ तो 100% ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट होता है, ऑटोमेटिक कलर ओके करें तो ये इस तरह से ये लाइन आई है। या जितना आपने सेलेक्ट करना है ना, ये दरमियान में भी आ सकती है इस तरह से। ये तो बॉर्डर आप इजीली वो भी कर सकती हैं होम से भी, होम से अगर आपको कोई, हाँ अगर आपको किसी टेक्स्ट पे इस तरह का चाहिए हाईलाइट, तो आप यहाँ से जाकर ये वाले इनको सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पेज आउट में बॉर्डर क्लियर हो गया। कंट्रोल जी, ये आगे हमारे पास है पैराग्राफ की अलाइनमेंट, समझ लें जैसे ये इंडेंट, मतलब जो आपको ये शो हो रहा है, ये मुझे इस पे क्या शो हो रहा है, ये नीचे आई थिंक कोई की विंडो आई थिंक इन फैक्ट पे कोई भी नहीं। मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम, आप इसको क्लिक, ये अच्छा इसमें इसमें वो है आपकी रिकॉर्डिंग, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेती हूँ। हाँ आई थिंक दैट इज रिकॉर्डिंग है ना, वो इसमें है। और सिद्धा मैं कल आपसे पूछ रही थी, जो लिंक हम भी डेली बेसिस पे स्टूडेंट को सेंड करते हैं, लाइक 12 o'clock क्लास होती है ना, तो हम डेली बेसिस पे शेड्यूल का लिंक करते हैं, तो आपने लाइक फर्स्ट डे मुझे सेंड किया, तो वही लिंक अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है उसी टाइम के लिए? हाँ जी हो सकता है। क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेटर ने मेगा कि ऑन द डेली बेसिस यू हैव टू मेक शेड्यूल द लिंक एंड देन यू फॉरवर्ड इट, तो मैं बल्कि अच्छी बात है कि वो ही वाला यूज हो सकता है। आप अगर चेक करें ना, अगर आप उस लिंक को चेक करें, हाँ, तो क्या वो सेम नहीं है? नहीं, लेकिन वो पता है, लेकिन उसमें डेट का तो है ना, आपने मुझे फॉर एग्जांपल 31st को किया, लिंक तो सेम है, टाइम होता है, हाँ, ये आपको ना याद रखने के लिए, ठीक है, वो फिर आपने, हाँ, वो पेरेंट्स के लिए फिर इट मींस कंफ्यूजिंग होगा, अगर हम लोग एक ही सेंड कर देंगे तो फिर उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स को पता है Zoom के लिए प्रॉब्लम, आपको तो पता होगा ना, आपने ऐड किया ग्रुप में, सेंड किया, वो डेट आपको पता होगी कि इस दिन मैंने ये सेंड किया हुआ है, पेरेंट्स को भी पता होगा? नहीं, मैं बता रही ना, पेरेंट्स को नहीं पता, उनको तो
काफी दिन तो हमें पहले जूम समझाने में लगा, फिर उनको ये बताया, लेकिन मेरे अपने माइंड में नहीं था कि एक ही लिंक, मुझे था कि एवरी डे डेट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जैसे बाप ने कहा कि लिंक वही यूज करें, तो ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव था कि आप डायरेक्ट टाइम सेम है तो लिंक वही है, सिर्फ डेट खुद तो हम याद रख सकते हैं, बट समटाइम पेरेंट्स को नहीं ये चीज़ होता, उनको करंट चीज़ चाहिए होती है, और स्कूल के लिए ये भी होता है कि ऑन द डेली बेसिस वो हमारी एक तरह से वो अटेंडेंस ही मार्क हो रही होती है कि हमने ये सेंड किया डेली बेसिस, वो आपको करना पड़ता है ना क्योंकि वो अटेंडेंस में रखा इशू। हाँ, वो अटेंडेंस का होता है। ये भी गया भी था फिर आ गया। अच्छा मैं आपको यहाँ से इस बुक बता देती हूँ शॉर्ट करके, ये वाला ठीक है। अच्छा इसमें है इंडेंट, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को शॉर्ट करूँ थोड़ा सा, इतना को जूम आउट किया, इसके बाद यहाँ पे देखें ये इंडेंट का एक ऑप्शन है, इसमें ये है कि आपका जो पैराग्राफ है वो आपके मार्जिन से कितना पीछे हटेगा, मतलब आगे को जाएगा, या आप उसको मार्जिन के बाद रखना चाहती हैं, ठीक है ये इसलिए है। इस तरह कुछ होती हैं ऐसे जो हमने लिखनी होती हैं वो quotations definitions वगैरह, definitions, हाँ quotations वगैरह definitions हमने ऐड करनी होती हैं, वो हम यहाँ से होम में जाके सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में ये इस तरह की अलाइनमेंट नहीं आएगी कि ये बिल्कुल एज इट इज सेम सेम आए, ठीक है वो पैराग्राफ में इंडेंट पे जाएं। हाँ जी यहाँ पर ये इंडेंट, अगर ये वाला करूंगी ये राइट साइड का जो है मेरा इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो क्या? जीरो ही कर, अच्छा जीरो अभी चले जब मर्जी कर लेंगे, और उसके बाद ये स्पेसिंग है जहां पर मैंने कर्सर रखना है ना वो वाला पैराग्राफ इस तरह से होगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इसमें जो पैराग्राफ्स हैं, अजान हो रही है, ये स्पेसिंग, ये देखिए आपको स्पेस नजर आ रही है, हर पैराग्राफ में काफी ज्यादा स्पेस आ रही है, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग के लिए, ये अपर साइड की और ये लोअर साइड, ये देखें ये वाला जो पैराग्राफ है अब ये नीचे से जो स्पेस आ रही है, ये हमें खुद नंबरिंग के थ्रू करना होगा, ये हमारी अपनी चॉइस होगी। हाँ जी, ये आपको अगर बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए जीरो कर दें, अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ से ऑटो कर लें, ऑटो भी हो सकता है, सिक्स हो सकता है, ये हमने एडजस्ट करना होता अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है कि अगर हमें जो है इतना डॉक्यूमेंट इस पेज पे चाहिए और बस एक पेज पे ही चाहिए तो उसके लिए हमने सेटिंग करनी होती है, यहाँ से जीरो करते हैं आप जिस तरह भी आप करना चाहें, ठीक है। ये अलाइनमेंट वगैरह है, ये आपका आज पेज लेआउट जो है ये कंप्लीट हो गया। अरेंज क्या था? ये सिलेक्शन वगैरह है ना, वही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और उसकी अलाइनमेंट करना, फिर से वही चीजें हैं जिसका मैंने आपको एक ग्रुप में बताया था। हाँ ये अरेंज वाले में सिलेक्शन है, आप पेन की सिलेक्शन कर सकती हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस, ये रेफरेंस वगैरह ना इसमें यूज नहीं होता, ये थीसिस वगैरह आपने करना है ना फिर उसमें रेफरेंस देने होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि वो होता है थीसिस वगैरह होते हैं और उसके एंड पे उन्होंने लिंक्स दिए होते हैं कि मैंने यहाँ से ये डाटा लिया, वो वाले इसके थ्रू होते हैं लिंक, और फिर आपका रह जाता है ये रिव्यू में जो चीजें, एक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है, अगर ये एक्टिव नहीं है तो यहाँ से आप ये पैराग्राफ है ना इसकी ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई गलत वर्ड लिखूं तो ये देखें यहाँ पर रेड लाइन आ जाती है, रेड लाइन को हम इग्नोर करेंगे, अगर तो आपको ये सेम चाहिए, अगर आपको ये सेम चाहिए इसी तरह ही तो फिर तो आप इग्नोर ऑल कर देंगे, इग्नोर कर देंगी, लेकिन अगर आपका ये स्पेलिंग गलत है फिर यहाँ पर देखें राइट क्लिक करें तो ये आपको स्पेलिंग शो हो रहे होंगे, तो ये बट समटाइम्स टाइपिंग कर रहे होते हैं और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली जैसे इसी पैराग्राफ में वो 5-6 रेड वो ये एरर वो लाइंस दे देता है, इसकी क्या रीजन होती है? स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होते हैं, जब तक स्पेलिंग नहीं ना ठीक होंगे तब तक ये रेड एरर नहीं देगा, बट स्पेल करेक्ट है, स्पेल करेक्ट जा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होता,
स्पेलिंग करेक्ट है, वो फिर आती है ग्रीन एर, ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन लाइन होती है ग्रामर मिस्टेक पे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे यू कैन आर लिख दूं तो ये मेरी ग्रामर मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई तो कहाँ पर गया है ये वाला, इसमें होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्यों निकाली। यू आर इजीली चेंज, अब इसमें देखें कि ये जो है ये ग्रामर मिस्टेक आ रही है, यू आर इजीली, अब यहाँ पर है या तो ये थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी या फिर यू आर चेंजिंग समथिंग इस तरह आना चाहिए था कॉन्टिन्यूस में। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ग्रीन लाइन जो है इसमें आती है ग्रामर मिस्टेक में, तो यहाँ पर देखें ये मुझे बता रहा है कि आपने अगर ये वाला टेंस यूज किया तो इसके साथ आप चेंज लगा सकती हैं। ओके तो ये चेंज करूंगी तो ये ग्रामर मिस्टेक खत्म हो जाएगी। एक रेड आती है लाइन, वो स्पेलिंग करेक्ट ना हो फिर आती है, और एक जो ग्रीन लाइन आती है वो तब आती है जब आपने पंक्चुएशन ठीक ना किया, ग्रामर ठीक ना हुआ। ठीक है ओके, ये पेज में आपके शो कर रहा है कि वर्ड्स कितने हैं, 2 पेजेस हैं, 653 वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स इसमें कितने यूज किए गए हैं, विद स्पेस कितने यूज किए गए हैं और विदाउट स्पेस कितने किए गए हैं, नो स्पेस है और ये विद स्पेस है, पैराग्राफ्स इसमें 14 है, लाइन इसमें 72 है, इस तरह से आप इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। और न्यू कॉमेंट, न्यू कॉमेंट जो है हम ज्यादातर जो ऐड करते हैं ना वो एक्सेल में करते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी कोई ऐसा डाटा है, आपने टेबल वगैरह बनाया हुआ है और आपको इसमें कॉमेंट ऐड करना है कोई, ठीक है, आप यहाँ से न्यू कॉमेंट में यहाँ पर जाकर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ज्यादा अच्छा ना उसमें आएगा, ठीक है, ये कमेंट ऐड कर लिया। ये जो कमेंट है ये सिर्फ आपके पास इसी में शो होगा जब आप कंट्रोल पी करेंगी, यहाँ पर भी शो हो रहा है लेकिन ये प्रिंट नहीं होता, ये सिर्फ अपनी इजी के लिए है ताकि आपको इजी हो करना। जिस तरह अब ये एक लफ्ज है उसकी आपने डेफिनेशन ऐड करनी है, ठीक है, आपने उसका मीनिंग वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ कमेंट में ऐड कर सकती हैं। आपको यहाँ पे ये राइट क्लिक करेंगी तो यहाँ पर डिलीट कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एडिट कमेंट भी कर सकती हैं, डिलीट भी कर सकती हैं, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें ये वाला जो ऑप्शन था ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का हमारा हो गया। व्यू में ये नहीं मैं अभी आपको करवा रही, इसमें मैक्रोज है तो ये मैं कल बताऊंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स होता है ना इतना सारा। आई थिंक इनफ है क्योंकि फिर ज्यादा ओवरलोडेड हो जाता है ना। सही बात है, हाँ जी, ठीक है, ये सारी समझ आ गई ना आपको। अब ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना उसमें एक तो हम सीवी बनाएंगे, ठीक है, और एक आपकी जो है फाइवर के लिए गिफ्ट तैयार करेंगे। एक क्या, सॉरी, एक क्या, फाइवर के लिए गिग तैयार करेंगे। अच्छा ओके, ठीक है, मरियम आप इधर ही हो, चली गई हुई है, चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा बस इधर अल्लाह हाफिज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो गई है।